बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तक की बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। एनसीयूसी का वज़रा तालीम व इजलास कैंसिल होने जा रहा है। अब तक की बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है, क्योंकि आप सब जानते हैं मुल्क के अंदर कोरोना की चौथी लहर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके केसेज आसमान पर पहुँच चुके हैं, किस्म के बहुत ज़्यादा उसमें केसेज में इजाफा हो चुका है। कुछ दिनों में उसने जो है वो बहुत जोर पकड़ा है। अमवात में इंतहाई खतरनाक किस्म का इजाफा हुआ है। और साथ साथ अब तक की बड़ी खबर तमाम तलबा को स्टूडेंट्स को इम्तहान के मुतालिक देने जा रहा हूँ। 9th 11th क्लास की प्रमोशन के मुतालिक और ईक्यू के इजलास होना था और उसमें उसका हतमी फैसला होना था। तो अब तक की बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है तमाम उसके जो इम्तहान हैं उनके मुतालिक, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो अब एनसीयूसी का इजलास जो है वो कैंसिल होने जा रहा है। तो इस हवाले से अचानक खबर निकल कर सामने आई है। वजीर तालीम शफकत महमूद, एजुकेशन मिनिस्टर और साथ साथ ही वजीर तालीम टीपीके शहराम खान तिरकाई जो है वो बरतानिया चले गए हैं। तो अब वजरा तालीम कॉन्फ्रेंस कैसी होगी, एनसीयूसी का इजलास जो है वो कैंसिल होने जा रहा है। तो अब इसके लिए आपको मैं एक और जो है वो क्लियर करता चलूँ कि एनसीयूसी का वजरा तालीम का जो इजलास है वो इंशाल्लाह कल ही होगा। क्यों? और साथ साथ जो वजीर तालीम शफकत महमूद हैं और साथ साथ शहराम खान तिरकाई जो कि वजीर तालीम के पी के हैं, ये बजरिए वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। ये एनसीयूसी का इजलास जो है वो कल ही होगा और उसमें अब तमाम स्टूडेंट्स की जो प्रमोशन है उसके मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। उसमें तजवीज़ ये है कि 9वीं और 12वीं की जो है वो 9वीं और 11वीं जमात में उनको प्रमोट किया जाए और 10वीं क्लास के इम्तहान को मुलतवी किया जाए।